आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग बताऊंगी। बताएं कि आपको ये मेथड कैसा लगा और आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं, जिसे मैं आपको धन्यवाद कह सकूं। और अभी आपको सिलाई के बारे में बताते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट थे कि स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ दिखाएं, तो आज की वीडियो में आपको यही दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। आपको साइज़ बता देती हूँ। देखिए, ये डबल फोल्ड है। देखिए, डबल फोल्ड में ये 28 इंच है, जो कि ये 1.5 मीटर के आसपास कपड़ा है। और जो इसकी विड्थ है कपड़े की, उसमें से हमारी लंबाई निकल आएगी। देखिए, इसकी लंबाई जो है 42 इंच है, तो इसमें हमारा स्टेटमेंट जो है पूरा निकल आएगा लंबाई। तो देखिए, मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और कपड़े को उल्टा कर लिया, क्योंकि उल्टा कटिंग करके रखेंगे तो जो भी मार्किंग रहेगी हमारी उल्टी साइड में आएगी। तो देखिए, ये वाला हमारा खुला हिस्सा है। इसमें से पहले हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं और उसके बाद बैक पार्ट। तो देखिए, जो हमारे पैंट की लंबाई है, उससे पहले हम 2 इंच जो हम फोल्ड करने वाले हैं, जो बेल्ट लगाएंगे, उसके लिए ले लेते हैं। 2 से 1.5 इंच आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच ले लिया। 2 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, दो लाइन हम 2 इंच के हमने ऊपर मार्किंग छोड़ दिया है। अभी अपने बॉटम की लंबाई ले लेते हैं। तो देखिए, जो लंबाई है वो 36 इंच है। 36 इंच पर यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है। ये जो पार्ट है, ये एक्स्ट्रा है, जो कि इसमें आप फोल्डिंग के लिए निकाल सकते हैं। जो हमें इसको फोल्ड करेंगे, उसके लिए मार्जिन रह जाएगा। तो देखिए, जो कपड़ा बच रहा है इसमें, ये 4 इंच बच रहा है, तो हमको 2 इंच चाहिए फोल्डिंग के लिए। तो 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, ये 2 इंच हमने इस तरीके से ये मार्किंग कर लिया है, जो कि ये फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। उसके बाद ये 2 इंच और बच रहा है। अभी हम उसका पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं। अभी हम यहाँ पे अपना कमर का मेजरमेंट लेते हैं। जो हमारी कमर है वो 36 इंच है, तो उसका देखिए 4th भाग करेंगे आप तो ये 9 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 9 इंच लेते हैं। तो देखिए, जो हमने पूरा कपड़ा लिया है, ये 13 इंच विड्थ में हमने मार्किंग कर लिया है यहाँ पर, 13 इंच में। अब इसमें हम 9 इंच का, यहाँ पे जो हमारा कमर का चौथा ही हिस्सा है, हमने 9 इंच ले लिया है। पहले मैं आगे का पार्ट कट कर रही हूँ और उसके बाद पीछे का पार्ट कट करेंगे। अभी देखिए, फ्रंट में हम 1 इंच यहाँ पे लूजिंग रख लेंगे, और जो हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, उसके लिए आपको अलग से 1/2 इंच हम यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से, और 1/2 इंच हम यहाँ पे बढ़ा दें। तो टोटल आपको यहाँ पे भी जैसे 1 बढ़ाया, उसकी जगह आपको 2 बढ़ा देना है, क्योंकि दोनों तरफ आप सिलाई डालेंगे तो उसके लिए मार्जिन चाहिए। तो टोटल आपको 2 इंच यहाँ पर ले लेना है। 9 और 2 11 इंच हो गया। तो देखिए, हमारी जो कमर हमने ली है वो 11 इंच में मार्किंग कर ली। अब इसके बाद हम अपना आसन लेते हैं। तो आसन को भी कमर से 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 9 इंच, ये तो आपको छोड़ ही देना है, इसको तो ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारी फोल्डिंग में चला जाएगा। और इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो हमने ये 10 इंच ले लिया है। यहाँ पे भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा थाई का मेजरमेंट हो जाएगा, ये हमारा ऊपर कमर का मेजरमेंट रहेगा। अभी हम जो हमारी लंबाई है, इसका हाफ ले लेंगे। देखिए, जो ये लंबाई है हमारी, जैसे 36 है, 36 का हाफ ले लेंगे 18, तो ये हमारा नी का मेजरमेंट हो जाएगा। तो इसको भी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी ये 2 मार्किंग हो गई, ये थाई की, ये नी की। अभी यहाँ पे हम इसकी जो गुलाई करते हैं आसन की, तो यहाँ पे आपको देखिए, साइज के ऊपर डिपेंड करता है आपका साइज क्या है। अगर आपका साइज ज़्यादा है तो आप उसको 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं। अगर आपका साइज कम है तो कम ले सकते हैं, जैसे मैं इसको 2 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस में एक मार्किंग कर देंगे और इसकी शेप दे देंगे इस तरीके से, ये आपकी इसकी गुलाई आ जाएगी। अभी हम इसका सेंटर पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये 13 इंच है, अब 13 इंच का हम सेंटर ले लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रेट। तो देखिए, ये हमारी पूरी एक स्ट्रेट लाइन नीचे तक, हमारे जो लंबाई है यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया है। अभी इसकी हम शेप देंगे। शेप देने से पहले आप अपना मोहरी का मेजरमेंट ले लें, आपका मोहरी कितना है। जैसा मेरा मोहरी है 7 इंच,
तो 3.5 इंच हम यहाँ से इस साइड में ले लेंगे और 3.5 इंच इस साइड में ले लेंगे। तो यहाँ से आपको ये 7 इंच लेना है, जो भी आपका भौंरी का साइज है, जो ये लाइन हमने सेंटर में ड्रॉ करी है, इसका सेंटर से दोनों साइड हम ले लें। अब इसकी हम शेप देंगे। देखिए मैंने कर्व वाली स्केल ले ली है, यहाँ से इसकी हम शेप दे देंगे। जो हमारा ये थाई का मेजरमेंट है और जो हमारा ये मोहरी है, यहाँ तक हम इसकी शेप दे देंगे। इस तरीके से इसकी यहाँ पर शेप है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप लूज से इस तरीके से हैंड से भी इसकी शेप दे सकते हैं और यहाँ से भी इस तरीके से। अभी अंदर की साइड भी आपको इसी तरीके से लेना है। जो स्केल है अभी हमने जो यूज़ किया था, इस तरीके से यूज़ किया था। अभी हम यहाँ पर जो हमारा थाई का मेजरमेंट है, इस तरीके से हम रख लेंगे मोहरी तक। अब यहाँ से अंदर की साइड से आपको इसकी शेप दे देनी है। देखिए इस तरीके से इसका कर्व आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है और ये पार्ट का यहाँ तक। अभी इसी ड्राफ्ट पर हम इसको कट कर लेते हैं, इसको भी इस तरीके से स्ट्रेट कर लें। देखिए इस तरीके से इसका कुछ ड्राफ्ट जो है आ जाएगा। अभी जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से बैक पार्ट निकालेंगे, इसको साइड में रखते थे। तो देखिए इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, अपनी तरफ पलट लिया है, जहाँ से हमने फ्रंट पार्ट किया था ये बैक पार्ट कट करेंगे इसमें से। तो जो फ्रंट पार्ट का कटिंग है इसको इसके ऊपर रख देंगे। तो मोहरी से इसको मिलाते हुए जाएंगे और देखिए इस साइड में बराबर रख लें, क्योंकि इस साइड में हमको कोई भी मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो इस तरीके से रख लें कि ये हमारा जो कटिंग है एकदम बराबर से आ जाए। तो देखिए जो हमारा 2 इंच बच रहा था, वो 2 इंच हम ऊपर की तरफ लंबाई में निकाल लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट जो है फ्रंट से 2 इंच बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हमने 2 इंच का है, यहाँ पे देखेंगे मार्जिन, तो देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लें। देखिए ये वाला 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, ऑलरेडी इसमें 2 इंच लिया था, तो जो कि ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। जो ये 2 इंच लिया है, ये 2 इंच हमारा यहाँ पर फोल्डिंग में चला जाएगा, और जो 2 इंच ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस तरीके से ही हो जाएगा। अभी हम इसमें लूजिंग रखनी है, जो इस साइड में लूजिंग रखनी है अंदर की साइड में। तो यहाँ पर हम 2 इंच की लूजिंग रख लेंगे। जो आसन है यहाँ पर भी 2 इंच का ले लेंगे और सेम 2 इंच का यहाँ पर भी लेना है। 2 इंच का लेते हुए और इसकी यहाँ पर शेप दे देंगे, देखिए इस तरीके से। और जो ये 2 इंच का लिया है, ये 2 इंच का आपको नीचे तक लेना है और इस तरीके से इसको लाइन खींच लेंगे और इसके साथ ही मिला देंगे। तो जो लूजिंग हमने ली है वो हमने अंदर की साइड ली है, और इस साइड में आपको कोई भी लूजिंग नहीं लेनी है। जो भी आपका साइज है, जो फ्रंट हमने कट किया है, उसी तरीके से इसको कट कर लेना है। इसी ड्राफ्ट पर कट कर लेते। तो देखिए कटिंग इसकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो हमने ये 2 इंच लिया है, अब इसकी शेप दे देते हैं। तो देखिए इधर से सेम रखना है, साइड फिटिंग है, और यहाँ पे इस तरीके से स्केल की सहायता से यहाँ पे क्रॉस में एक मार्किंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से इसकी मार्किंग रहेगी यहाँ पर। अब इस पार्ट को भी कट कर देंगे, यहाँ से ये बराबर रहेगा लेकिन यहाँ से आसन से ये बड़ा हो जाएगा 2 इंच। देखिए इसकी कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेथड कैसा लगा और आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं, जिसे मैं आपको धन्यवाद कह सकूं। और अभी आपको सिलाई के बारे में बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो ये फ्रंट वाले आसन है इनको जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद सेम बैक पार्ट के जो आसन है इनको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद फिर इनके साइड के पार्ट अटैच करेंगे दोनों साइड के, और लास्ट में ये करेंगे, और उसके बाद ये मोहरे को। और जो यहाँ पे इलास्टिक डालनी है, तो आप जितना चौड़ा, जैसे 2 इंच लिया है तो आप इसमें 1.5 इंच की इलास्टिक डाल सकते हैं। 1.5 इंच चौड़ी वाली जो आती है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। देखिए ये बैक पार्ट है, तो पहले बैक पार्ट का हम आसन जॉइंट कर लेते हैं। देखिए इसका आसन जो है जॉइंट हो चुका है, इस तरीके से खोल देते हैं। देखिए इस तरीके से ये जॉइंट हो चुका है। अभी सेम फ्रंट पार्ट जॉइंट कर लेते हैं। देखिए इसी तरीके से फ्रंट पार्ट का आसन भी तैयार हो चुका है और बैक का भी। अभी इसके साइड से भी स्टिच कर लेते हैं।
इसी तरीके से दूसरा साइड का भी देखिए, ये मैंने पूरा स्टिच कर दिया, दोनों साइडों से भी आसन भी जॉइंट हो चुके हैं। अभी हम इसका नेफा तैयार कर लेते हैं और उसके बाद मोहरी और फिर साइड फिटिंग। तो नेफा देखिए आगे से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जिधर से भी आप चाहें। तो देखिए हमने जैसे ये 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो इसी मार्जिन पर हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे। अभी देखिए नेफा में सिलाई डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम साइड किसी भी एक साइड में छोड़ देंगे जो कि हम इसमें से इलास्टिक डालने वाले हैं। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। मैंने इतना 1 इंच के आसपास ये खुला रख लिया है। अभी जो भी आपकी कमर है उसका 85% इलास्टिक, जो भी आपकी कमर है उसका 85% इलास्टिक 30.5 इंच। तो मैंने ये 31 इंच में आधा इंच एक्स्ट्रा में कटिंग कर लिया है। कोई कोई इलास्टिक थोड़ी ज़्यादा खींचने वाली होती है, कोई कोई कम होती है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो अभी इस इलास्टिक को हम यहाँ से इस तरीके से निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है। अभी ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे। इस तरीके से करेंगे तो ये गांठ बन जाती है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गांठ नहीं बनेगी और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको पहले हम सिलाई लगा के लॉक कर देते हैं। कैसे हो जाएगा, अभी हम इसको इस तरीके से पूरा, अभी जो हमने ये खुला रखा था इसको भी स्टिच कर देते हैं। देखिए इस तरीके से ये जो लेस है हमारी यहाँ कमर में आ चुकी है। अभी इसमें हम एक दो सिलाई और डाल देंगे तो जैसे रेडीमेड हो जाता है, सेम उसी तरीके से आपका इसकी इलास्टिक की डिज़ाइन हो जाएगी। ऊपर की तरफ लेंगे, नीचे एक ऑलरेडी सिलाई आ रही है तो एक ऊपर डाल देंगे, एक इसके बीच में डाल देंगे। और ये सिलाई जो है जितनी आप बड़ी कर लोगे उतना ही फ़ायदा है। इसको हल्का सा ऐसा खींचते हुए जाए, अभी देखिए जो हमारी साइड फिटिंग है इसको कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारी मोहरी आने वाली है। अभी यहाँ से हम सिलाई डालना स्टार्ट करते हैं। अभी खासकर आपको जो ये आसन है, इन आसनों के दोनों पार्टों को ध्यान रखना है कि सिलाई एकदम बराबर आनी चाहिए। कैसे, जैसे कि हमारा स्लीव लगाते हैं हम ब्लाउज में या कुर्ती में, तो क्या होता है इस तरीके से आगे पीछे पार्ट आ जाते हैं, या तो स्लीव का पार्ट आगे आ जाएगा और फ्रंट पार्ट पीछे चला जाएगा, तो इस तरीके का हो जाता है। सेम इसी तरीके से आसन में भी होता है, ऐसा ना हो इसलिए आप ध्यान रखें। यहाँ पे इस सिलाई को यहाँ पे बराबर से देख लें और फिर सिलाई डालें तो अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। देखिए ये पूरा मैंने सिलाई डाल दिया है, इसमें डबल स्टिच डाल देते हैं, उसके बाद मोहरी को फोल्ड। इसमें डबल स्टिच डाल दिया, देखिए हमने यहाँ पे इतना पार्ट जो है एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था फोल्डिंग के लिए। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, राउंड में फोल्ड करने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है मोहरी में। तो जब भी आप स्टिच करें तो राउंड में फोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पे भी इसी तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से पूरा राउंड में स्टिच। देखिए यहाँ पे मैंने मोहरी में भी सिलाई डाल दिया है, दोनों मोहरी तैयार कर दी हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस तरीके की फिनिशिंग आएगी और देखिए ये यहाँ आसन आ जाएगा। तो आप आसन की सिलाई जब देखेंगे तो देखिए एकदम सिलाई हमारी, सिलाई एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैच कर रही है, कहीं भी आगे पीछे नहीं जा रहा है। तो ये खासकर आपको ध्यान रखना है कि जो सिलाई है ये बराबर रहे, आगे पीछे नहीं जाए।
देखिए नीचे से ये इस तरीके से फिटिंग आएगी, ऊपर ये मैंने लूज रखा है क्योंकि ये कॉटन है, जब हम धोएंगे तो ये सिंक हो जाएगा, तो फिर क्या है ना टाइट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको फिटिंग से थोड़ा सा लूज रखा है। आप अपने फिटिंग के अनुसार अगर आपका कपड़ा अलग तरीके का है तो करेक्ट फिटिंग भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये हाई का मेजरमेंट आ जाएगा, तो और देखिए ये इलास्टिक हमने यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। आप इस आसान तरीके से ये पैंट बना सकते हैं कम कपड़े। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।